तेजस्वी यादव जी के साथ भी कहीं ना कहीं वही कंडीशंस हैं। उनकी पार्टी के अंदर, परिवार के अंदर जो अंतर्कलह है, अंतर विरोध है, समय समय पर सतह पर आता ही। लोक जनशक्ति पार्टी में टूट के बाद से बिहार की सियासत गरमाई हुई है। बिहार में सियासी बयानबाजी जारी है। इस बीच बड़ा बयान आरजेडी के नेताओं की ओर से सामने आया। आरजेडी ने साफ तौर पर कहा कि पूरी स्क्रिप्टिंग लोजपा को तोड़ने की एक अन्य मार्ग स्थित मुख्यमंत्री आवास में हुई, यानी कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को निशाना बनाया, नीतीश कुमार को जिम्मेवार ठहराया लोक जनशक्ति पार्टी में टूट के लिए। लेकिन अब जेडीयू कह रहे कि बहुत जल्द आरजेडी में भी टूट होने वाली है। जेडीयू के नेता व प्रवक्ता अभिषेक झा ने बड़ा बयान दिया है। अभिषेक झा ने कहा है कि आरजेडी में भी अब बहुत जल्द टूट होने वाली है लोक जनशक्ति पार्टी के बाद। बिहार की जनता दोनों युवा नेताओं को पहचान चुकी है। क्या कुछ कह रहे हैं जरा आप वो सुनिए। के दो युवा नेता हैं तेजस्वी यादव जी और चिराग पासवान जी, दोनों में कुछ खास समानताएं हैं। दोनों सिर्फ चुनाव के समय नजर आते हैं जब अपना कुछ फायदा दिख रहा हो। जनता जब आपदा विपदा में हो तब नजर नहीं आते हैं। सबसे ज्यादा एक्टिव रहते हैं कहां? सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। और करते क्या है? सिर्फ भ्रामक बातें। चिराग पासवान जी ने तो नकारात्मक राजनीति की ही। क्या हश्र हुआ? जनता ने तो सबक सिखा ही दिया। पार्टी के अंदर इतनी बड़ी टूट हुई है, परिवार को भी नहीं संभाल पा रहे हैं। तेजस्वी यादव जी के साथ भी कहीं ना कहीं वही कंडीशंस हैं। उनकी पार्टी के अंदर, परिवार के अंदर जो अंतर्कलह है, अंतर विरोध है, समय समय पर सतह पर आता ही है। आने वाले दिनों में इनकी पार्टी और इनका भी कहीं वही हश्र ना हो, वही स्थितियां ना पैदा हो जाए, बहुत अप्रत्याशित चीजें नहीं है। इन दोनों युवा नेताओं को बिहार की जनता ने अच्छे तरीके से आजमा लिया है। तो जेडीयू की ओर से बड़ा बयान सामने आया है। आरजेडी में टूट का दावा किया है जेडीयू के नेता व प्रवक्ता अभिषेक झा ने। अभिषेक झा ने कहा कि बहुत जल्द अब लोजपा के बाद आरजेडी में टूट होने वाली है। देखना भी होगा क्या आरजेडी अटूट है या फिर आरजेडी में भी बड़ी टूट होने वाली है। जेडीयू के नेता के इस बयान के बाद बिहार की सियासत जरूर ही गर्माने वाली है। आप टुडे बिहार न्यूज के साथ बने रहें। धन्यवाद।